उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को डबल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हमने जो पहले निराश्रित महिला पेंशन 17 लाख महिलाओं को प्राप्त होता था और वह भी केवल 500 रुपया, आज मित्रों उसे बढ़ाकर के 31 लाख निराश्रित महिलाओं को आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है और पेंशन की राशि को भी डबल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो पहले 37 लाख इसके लाभार्थी थे और उन्हें 500 रुपये मासिक की सुविधा प्राप्त होती थी, आज 56 लाख महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और डबल हमने पेंशन की सुविधा भी डबल की है। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में जो 18% थी, आज वो घट करके लगभग 3 और 4 के बीच में है। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 7 से लेके 17 के बीच 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, हम लोगों ने 6 वर्ष में उससे डबल गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अब तक 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अगर धान और गेहूं के क्रय में ही देखें, 17 के पहले कोई प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी नहीं थी, दलाल और एजेंट के माध्यम से ये सब खरीदे जाते थे, हमारी सरकार ने मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त की। अगर धान क्रय का आप देखेंगे तो इससे पहले 12 से 17 के बीच में मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें से मात्र 17,190 करोड़ रुपए किसान के पास गए, किसान को दिए गए थे, यानी बिचौलियों को उपलब्ध कराए गए थे, उनके माध्यम से किसान के पास गए होंगे, यानी सही दाम किसान को नहीं मिले। लेकिन 17 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो 345 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और जिसमें लगभग 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में गया, डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। ऐसे ही गेहूं के मामले में आप देखेंगे कि 12 से 17 के बीच कुल 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ, वह भी बिचौलियों के माध्यम से, और 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान 12 से 17 के बीच में बिचौलियों को हुआ, फिर बिचौलियों ने किसान तक पहुंचाया होगा। लेकिन 17 से लेकर के 23 के बीच में हम लोगों ने अब तक 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद किया, 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में किया है। किसान यानी किसी भी सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन का देश का नंबर एक राज्य है। देश के अंदर 118 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश आज कर रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरह हम बढ़ चुके हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो हो चुका है या निर्माणाधीन है, या फिर 3-4 जिले जो बचे हैं इन जनपदों में भी वो प्रक्रिया को हम लगभग फाइनल रूप दे चुके हैं। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। हर कमिश्नरी स्तर पर एक विश्वविद्यालय, और मेरी सरकार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक विश्वविद्यालय बनाए। सदैव अटल जी के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मां शाकंभरी के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, एक यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो देश की आजादी के
एक महानायक थे, उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में हो रहा है, एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर चल रहा है। ये तीनों विश्वविद्यालय, चारों विश्वविद्यालय को हम लोग क्रियाशील कर चुके हैं, इनके अपने भवन के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मायूबी गोरखनाथ के नाम पे आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में सैंक्शन की गई है, जहां एक विश्वविद्यालय आज वर्तमान में प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं। वर्तमान के बजट में 22-23-24 के बजट में भी हमने 4 नए विश्वविद्यालय स्वीकृत किए हैं, जो हमारे अनसेचुरेटेड कमिश्नरी थी, जहां पे कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। इसमें मां विंध्यवासिनी के धाम में मां विंध्यवासिनी के नाम पे एक विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी के धाम देवपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी दी, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी इस बार के बजट में यहां पर सरकार के द्वारा वहां पर उन जनपद उन राज्यों उन सभी कमिश्नरी के लिए भी ये सब सुविधा उपलब्ध करवाई गई। फार्मेसी के सेक्टर में भी बहुत सारे कार्य वर्तमान में प्रदेश के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, और इसमें चाहे वह मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण का कार्य हो यमुना अथॉरिटी के पास, चाहे ललितपुर में फार्मा पार्क के निर्माण की कार्रवाई को हो, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई के बीच में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक टेक्सटाइल के अत्याधुनिक पार्क की स्वीकृति उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध करवाई है। यानी ये उत्तर प्रदेश किन संभावनाओं को व्यक्त करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, और ये सभी चीजें आगे बढ़ी हैं। इसलिए मित्रों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश आज हरेक सेक्टर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश आज न्यू एज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी देश का एक नंबर एक राज्य के रूप में उभरा है। अभी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि देश में सबसे अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का बेस उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, और देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, और ये असीम संभावनाएं तब बनती हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जनता के साथ बेहतर संवाद हो, और टीम वर्क जब कहीं पर जब कार्य होती है, शासन की कार्य पद्धति में न केवल ईमानदारी हो बल्कि उसमें उतनी ही पारदर्शिता भी हो, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। सरकार की उपलब्धियों से संबंधित ये पुस्तिका आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, करवाई जा रही होगी। इसमें ये पुस्तिका एक जो यहां विमोचित हुई है अभी मंच के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें पिछले 6 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर हुई हैं, उससे जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रभारी मंत्रीगण उन जनपदों में जाकर के इन पुस्तिकाओं का विमोचन कर रहे हैं। जहां पे प्रभारी मंत्री नहीं जा पा रहे हैं या उनके कार्यक्रम किसी एक जिले में है, तो शेष जनपदों में हमारे संगठन के पदाधिकारी, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं।
इस पुस्तिका में सभी 403 विधानसभाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये पुस्तिकाएं वितरित हो रही हैं, ये उसका भी उल्लेख वहां पर किया गया है। ये दिखाती है सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जनता को जनार्दन मान करके उनकी हर प्रकार की सेवा के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ सरकार ने ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और आज इन सभी बातों को मैं बहुत सारे डाटा आपको उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पुस्तकों में उसका उल्लेख ऑलरेडी किया गया है, आप उसको वहां से भी देख लेंगे। ये सभी चीजें थी, मैं इस अवसर पर खास तौर पर आप सबको हृदय से आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के मित्रों ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है और उसके परिणाम भी आज देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है इस चीज ने। दूसरा, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है, ये मंत्रिमंडल के द्वारा एक साथ किए गए प्रयास, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे जनता तक पहुंचाना, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक एक परिवार तक पहुंचाने के लिए योगदान देना और प्रशासनिक टीम ने शासन के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, ये सभी टीम एक साथ मिलकर के जब कार्य की है तो परिणाम दिखे हैं। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, उत्तर प्रदेश आज हर एक सेक्टर में आज अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों, सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें 6 वर्ष के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई भी देता हूं और इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश की पहचान को, जिस भी सेक्टर की पहचान हो, वह टूरिज्म का हो, उत्तर प्रदेश की विरासत का हो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हो या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन सभी सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पर आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा।